हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल दीक्षा एजुकेशनल हब। मैं दीक्षा चौहान आज मैं लेकर आई हूँ बिहार स्टेट की री एग्जामिनेशन सिलेबस। जैसा कि हम सब जानते हैं, 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है। बिहार टेट का जो सिलेबस दिया गया था वो 9-10 के बेसिस पर था, पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका लेवल 12 तक का था, इसलिए काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। इसलिए वर्ष 2019 और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को देखते हुए मैंने री एग्जामिनेशन की सिलेबस तैयार की है। आइए देखते हैं टॉपिक। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये 100 मार्क्स का होता है पेपर वन में। ये पेपर वन की सिलेबस है। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइम एंड वर्क, समय और काम। जो जो टॉपिक मैंने फाइंड आउट किया है वो सारे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए थे। टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और काम, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हम लोग को तालिका, ग्राफ और वृत्त, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, पाई चार्ट्स पढ़ना हम लोग को, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एचसीएफ और एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पढ़ना हम लोग को, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, एवरेज, औसत, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग को एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग को पढ़ना है, डिफ्रेंसिएशन, अवकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन, स्टैटिक्स, संख्यांकी, सांख्यिकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, ज्यामिति, पॉलिनोमियल्स, बहुपद, मैट्रिक्स, आव्यूह, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इतना टॉपिक हम लोग को कवर करना है, पर ये हम लोग को टॉपिक वाइज पढ़ना पॉसिबल नहीं है। टॉपिक वाइज डीपली हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम हमारे पास नहीं है। कभी भी एग्जाम का डेट आ सकता है, इसलिए हम लोग अगर टॉपिक से 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेंगे 100 मार्क्स का जो मेरा पेपर है बहुत ही आसान हो जाएगा। पिछले एग्जाम में फार्मूला भी पूछा गया था, इसलिए चैप्टर वाइज फार्मूला और शॉर्टकट ट्रिक दोनों बताया जाएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रहता है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज डेली एक एक वीडियो आप लोग का जाएगा, जिसमें हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिससे हम लोग बहुत जल्द सारा सिलेबस कम्प्लीट कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा अनिवार्य विषय का सिलेबस रहेगा, जो शिक्षण कला एवं दक्षता से जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है वो उसका रहेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।